ओके, वी वेट फॉर 2 मिनट्स, देन वी विल स्टार्ट. एम आई ऑडिबल? इज माई वॉइस क्लियर? यस सर. ओके. एंड कुछ स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, व्हाट्स द इशू? माइक इशू है क्या? तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो. यू कैन राइट इन चैट बॉक्स. इट इज टोटली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो एक अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स, देन ओनली वी कैन स्टडी दिस सब्जेक्ट. ओके, मेरे पास कुछ वीडियोज है स्टूडेंट्स जो आपको दिखाना था आफ्टर स्टडिंग दैट टॉपिक, करेक्ट? शुड वी स्टार्ट? यस सर. ओके, 30 स्टूडेंट्स आ चुके हैं. ओके, वी विल स्टार्ट. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, मैं आपको पहला मेथड जो दिखा दे रहा हूं, लैंडफिल्स मेथड. ओके ओके, यू कैन सी. ओके, मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, पहले आप देखो, देन वी विल डिस्कस दिस वीडियो. ओके सर. सर, वीडियो के अंदर ऑडियो है क्या? नहीं नहीं ऑडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है. ओके सर. ओके ओके, वी हैव टू डिस्कस दिस वीडियो. मतलब इन शॉर्ट, मैं आपको क्या, एक एनिमेशन है, देखो वो गार्बेज उसने फेंका, वो लड़के ने, बराबर, वो स्टूडेंट ने क्या, वो क्या किया, ये थ्रोन दैट गार्बेज ऑन द रोड, करेक्ट? वही किया उसने. एंड आफ्टर दैट व्हाट दैट गर्ल हैज डन, उसने उठाया एंड वहां पे 3 अलग अलग टाइप के कलर के ये थे, वेस्ट थे, ए डस्टबिन थे, बराबर. वो डस्टबिन में उसने पुट किया, बट वहां से कहां जाएगा वो, बराबर, वो अपना कहां जाएगा वेस्ट, वो हम लोग को मेथड, वो टेक्निक्स देखना है. देन आगे बढ़ू? यहां सर. ओके, यस सर. ओके, देखो गार्बेज बिन है, बराबर, गार्बेज बिन से ये अपने ट्रांजिस्ट ट्रक ने क्या किया है, जो गार्बेज व्हीकल है उसने क्या किया, कलेक्टेड दैट गार्बेज, बराबर. देन द कलेक्शन इज बीन सेंडेड टू द लैंडफिल्स, यू कैन सी ओवर हियर. Then it has been collected and sent to where? Landfills. अब वो landfilling कैसे होगा वो देख लेते हैं हम लोग. Okay. The garbage has then been dumped into the landfills area. दिख रहा है, dump कर दिया उसके अंदर, dumping process देखा आप लोग ने? हाँ सर. Okay. You can read over the captions. आप ऊपर captions देख सकते हो. जैसे कोई low lying area है, uneven land है, there we can use this method. बराबर, ये site proper selection बहुत mandatory रहता है. जहां पे low lying area रहेगा, there only we can do. देखो, दिख रहा है? क्या किया? क्या किया students? Excavation कर दिया, उतना part निकाल दिया. कैसे किया calculate वो? On the basis of the volume of garbage collected. ये क्या किया? कंक्रीट का लेयर पुट किया. रीजन बिहाइंड दैट क्या है? ये कंक्रीट का लेयर क्यों डाला? एनी वन ऑफ यू? ताकि सर लीचिंग ना हो उसमें से, जो पानी वगैरह है वो अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है अपना, वो डिस्टर्ब ना हो, बराबर, वो पॉल्यूट ना हो. जो मैं आपको पाइप की बात कर रहा था सुन, याद है लीचिंग के लिए पाइप जो यूज होगा, 2 मिनट पहले बोल रहा था, लीच कलेक्टिंग पाइप, ऐसा कुछ होता है वो. देखो ये क्या हो रहा है, दैट ब्लैक लिक्विड इज जनरेटेड और उसके बाद वो पाइप में जाके ड्रेन हो जाता है. ये ग्रेवल्स डाल रहे स्टूडेंट्स, नहीं नहीं सॉरी, ये सॉलिड वेस्ट है, ये वेस्ट पुट करके अब सॉइल लेयर, एक्चुअली डायरेक्टली कंपोस्टिंग हो रहा है,
ट्रेंचेस या फिर वो रैप मेथड नहीं कर रहे इसके अंदर। अब देखो दिख रहा है ट्रेंचेस फॉर्म होने स्टार्ट हो गए, एक के नीचे एक छोटा छोटा ट्रेंचेस बन रहा है। द सॉइल लेयर इज अबाउट 12 inches। गैस पाइप इंस्टॉल कर दिया ताकि इसके अंदर जो भी गैस जनरेट हो बाहर निकल जाए। मोहित मुनीर कोई डाउट है वीडियो को लेके? नो सर नो। समझ में जो हमने व्हाट वी हैव स्टडीड थ्योरेटिकली वो पूरा चीज ये वीडियो में दिखाया है हम लोग को, जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा था सेम थिंग इज गिवन ओवर हियर। यस नो यस सर यस सर परफेक्ट। पूरा क्लियर आइडिया हो गया रहेगा कि क्या प्रोसेस है डंपिंग का, क्या प्रोसेस है लैंडफिल का। कोई डाउट है इसको लेके लैंडफिल प्रोसेस क्या होता है? नो सर नो सर। सिंपल एग्जांपल है, डंपिंग मींस नथिंग बट कवरिंग द सॉलिड वेस्ट विदाउट एनी ट्रेंचेस, एंड लैंडफिल मींस मॉडिफाइड फॉर्म या दूसरा फॉर्म होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म। मॉडिफाइड फॉर्म में जाऊंगा तो उसके तीन मेथड है, ट्रेंच, रैंप और एरिया मेथड। ओके नेक्स्ट वीडियो और एक है आपको, व्हाट एवर वी हैव स्टडीड ना फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। ओके सैनिटरी लैंडफिल्स की बात कर लेता हूं मैं, करेक्ट। तो देखो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमने हमारे काम का है, दैट इज सैनिटरी लैंडफिल्स, कॉम्पैक्टिंग, इंसिनरेशन, बराबर। स्टार्टिंग में अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, बाकी के नीचे के तो अभी तक पढ़े भी नहीं हमने, करेक्ट। तो एक एक मेथड देख लेते हैं। देखो इनिशियली अ लार्ज पिट और अ डिप्रेशन इज मेड ऑफ अ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, बराबर। क्या करते हैं हम लोग, वी रिमूव दैट पिट। ओके आफ्टर दैट व्हाट इज बीइंग डन, सिंथेटिक प्लास्टिक। मैंने आपको बोला था कि प्लास्टिक ब्लैक कलर का प्लास्टिक प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट। कुछ लोग देखो क्या करते हैं, कॉम्पैक्टेड सॉइल यूज करते हैं। कॉम्पैक्टेड सॉइल से क्या होता है, उसके अंदर जो पोर स्पेसेस होते हैं, दैट पोर स्पेसेस गेट फिल्ड, एंड आफ्टर फिलिंग दैट पोर स्पेसेस लीचिंग इज बीइंग अवॉइडेड एंड द लीच गेट कलेक्टेड इन द लीच पाइप, करेक्ट। एंड द सेकंड मेथड इज यूजिंग एन सिंथेटिक प्लास्टिक, बराबर। वेर एवर वी वॉन्ट टू डू दैट लैंड फिलिंग, बराबर, वेर एवर वी वॉन्ट टू प्रिपेयर दैट मैनवर, we provide a synthetic plastic. It is quite mandatory that student we should never disturb the water table. बराबर, beneath water table को disturb करने का हमको कोई हक नहीं है. Yes. ये small scale पे कर रहे students. It is called also called as a bottom liner. आपको दिखाया था मेरे वो video में bottom liner. उसके बाद क्या हो रहा है? ये waste ये part में fill हो जा रहा है. ये waste जो है solid waste वो part में fill हो गया. ये waste pipe water which is known as leached pipe. बराबर. वेस्ट पाइप वॉटर इज ऑल्सो नोन एज लीच पाइप, इसके अंदर कलेक्ट होगा। एंड इसके अंदर देखो ये क्या कर रहे हैं लोग, एक छोटा सा आर्टिफिशियल गैस प्लांट भी जनरेट कर दी। क्यों? जैसे ही कंपोस्टिंग स्टार्ट होगा स्टूडेंट तो मिथेन गैसेज जनरेट होना स्टार्ट होंगे, एंड वी कैन कलेक्ट दैट मिथेन गैसेज एंड कैन बी यूज एज अ फ्यूल, राइट। ये हम लोग कर सकते हैं, छोटे स्केल पे हम लोग कर सकते हैं, विलेजेस में होता है स्टूडेंट्स, फॉलो होता है ये मेथड। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम आता है मिथेन गैसेज, बराबर। And after that, soil layer is being filled. ये पूरा soil से उसको भर रहे हैं।
इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ लैंडफिल, आप देख सकते हो ये मेथड का नाम है लैंडफिल. ओके, अब एक मेथड की बात कर रहा था मैं, इंसिनेशन मेथड. व्हाट डज दिस मेथड इंसिनेशन मींस? इंसिनेशन इज बेसिकली डन टू विच टाइप ऑफ वेस्ट? मोहित, मोहित नहीं, मुनीर बताएगा विच टाइप ऑफ वेस्ट इंसिनेशन होता है, कौन से टाइप के वेस्ट के लिए होता है? सर ज्यादातर मेडिकल वेस्ट, जैसे कि ऑपरेशन के जो किट्स होते हैं, सॉरी आईवी सेट्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं और ग्लूकोज के बॉटल्स वगैरह हो गए, ये सब. बराबर बेटा, जो वेस्ट हम लोग कंपोज नहीं कर सकते. कंपोज करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस रहेंगे व्हिच गेट स्प्रेड इनटू द सॉइल. बराबर, हो सकता है ना, देयर इज अ मेजर चांसेस ना. एंड आफ्टर यूजिंग दैट वेस्ट एज अ मैनवर प्लांट्स में भी इफेक्ट हो सकता है, या ह्यूमन बींग जो हैंडल करेगा इट गेट इफेक्टेड टू दैट पर्सन. करेक्ट, सो सच टाइप ऑफ वेस्ट व्हाट वी डू, इंसिनेशन प्रोसेस होता है. तो ये देखो एक प्लांट है, यू कैन सी इंसिनेशन प्लांट, एक बड़े स्केल की प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, छोटे स्केल पे भी होता है. देखो रिफ्यूज बर्नर, बराबर. यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये पूरा वेस्ट लेके जा रहे हैं. देखो एक बार प्रोसेस पूरा देखो, फिर वी विल डिस्कस. प्लीज एक बार देखो आप कैसे कर रहे हैं, क्या इंसिनेशन कैसे हो रहा है. क्या हो गया अरबाज को? देखो बर्निंग हो रहा है, रेसिड्यूज जो रहेगा वो विद द हेल्प ऑफ रोलर नीचे आएगा. Listen here. मैं क्या करता हूं, मैं आपको ऑडियो के थ्रू सुनाता हूं इसको, आपको वो अच्छे से समझ में आएगा. ओके, यस नो? यस सर. ओके, रेफ्यूज ब्लॉक्स द पार्ट इज वेल डिस्चार्ज्ड इनटू द रेफ्यूज कंटेनर. बल्कि वेस्ट सच एज ट्री ट्रंक्स एंड फर्नीचर आर कैटल क्रश्ड इनटू स्मॉल पीसेस. Refuse is then thrown into the bunker using overhead grab bins and then charged into the furnaces from the top. Gupta sir, aapka ek device ko mute karo aap. अभी ऑडियो ऑडियो पूरा बंद हो गया. हाँ सर, हाँ सर, एक मिनट, में छोटा सा एक सेटिंग रहता है ना सर कनेक्ट विथ ऑडियो, वो कर लेता हूं. मोर, सर वो अनम्यूट को हटा दो तो हो जाएगा. नहीं 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 बेटा, अनम्यूट का इशू नहीं है. एक्चुअली क्या है ना, दो डिवाइस कनेक्टेड है, एक के थ्रू मैं आपको लैपटॉप के थ्रू दिखा रहा हूँ, एंड वो दो डिवाइस क्लैशेस हो रहे हैं, थोड़ा सा एक ये हो रहा है. ओके सर, ठीक है, चलो मैनेज करते, फिर बाद में मैं आपको ऑडियो सुना दूंगा. सर ऑडियो मत सुनाओ, आप समझा दो. अच्छा ठीक है, चलेगा. तो एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो, फिर मैं समझा देता हूँ, चलो वो बेस्ट रहेगा. हाँ ठीक है, ठीक है, चलेगा. ये मैं प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी. अपने को एक्चुअली प्लांट से मतलब नहीं है, वी हैव टू गो थ्रू दैट मेथड ओनली, इंसिनेशन मेथड. मैं जस्ट ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि प्लांट एक्चुअल में इंसिनेशन प्लांट जो रहता है वो कैसा दिखता है. ओके चलो विल स्टार्ट. ओके, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस प्लांट, तो स्टूडेंट लिसन हियर. देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां से जो भी वेस्ट रहेगा इट विल गो ओवर हियर. बराबर, कट क्रशेस या स्मॉल पीसेस जो भी रहेंगे
सब कुछ यहाँ जाएगा, करेक्ट? एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर, बराबर, इसको थोड़ा थोड़ा उठा के इट विल पुट ओवर हियर। ये देखो, ये इसका जो है गैंट्री गर्डर बोलोगे आप इसको, और गैंट्री गर्डर के थ्रू थोड़ा थोड़ा हम लोग यूज करेंगे और यहाँ लेके जाएंगे, बराबर। और यहाँ पे आने के बाद एक यहाँ पे गैसियस फॉर्म में निकलता है, फ्यूल रहेगा आप बोलोगे, यहाँ बर्निंग होगा, एंड जो भी वेस्ट रहेगा इट विल स्टार्ट बर्निंग, बराबर। और बर्निंग होने के बाद स्टूडेंट्स जो उसके रेसिड्यूज रहेंगे विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर वो नीचे जाते जाएगा, गिरते जाएगा, बराबर। और जो भी हीट्स रहेंगे वो बाहर निकलते जाएंगे, करेक्ट। ये बर्निंग हो रहा है यहाँ पे, और वहां का टेम्परेचर जो रहेगा दैट टेम्परेचर विल बी अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, बराबर। एंड वहां से जो गैसेस रहेंगे वो यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके यहाँ निकल जाएंगे, बराबर, विच कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये बड़े प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, बराबर, दैट गैसेस कैन, जो उसके से ये इंस्टॉलेशन होने की वजह से जो गैसेस उससे रिलीज हुए दैट कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर से होके ड्राइम लाइन पैकर पे जाके जो उसके आप बोलोगे कि जो धुआं रहेगा, करेक्ट, वो चिमनी के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो अपने को ये प्लांट से मतलब नहीं है, द मेन थिंग व्हाट वी रिक्वायर इज द मेथड, दिस मेथड इज नोन एज इंसिनरेशन मेथड या प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, बराबर, अपने लिए ये काम का है, बराबर। तो व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा आज के दिन, हमने ये मेथड पूरा अच्छे से देख लिया, कौन से लैंडफिल मेथड्स, ट्रेंचेस मेथड, रैंप मेथड, कंपोस्टिंग मेथड, ये सारे मेथड का एक्चुअल वीडियो से आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया रहेगा। यस नो? यस सर। ओके, नाउ लास्ट मेथड दैट इज कंपोजिशन। डंपिंग की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो लास्ट मेथड है दैट इज कंपोस्टिंग। प्लीज नोट डाउन दिस मेथड, कंपोस्टिंग। सर इंसिनरेशन के साथ ऑटोक्लेव से वॉश भी तो कर सकते हैं। हाँ, वॉश कर सकते हैं, लास्ट प्रोसेस है, लेकिन अपने को प्लांट से मतलब नहीं है ना बच्चा। अच्छा, तू ये बोल रहा है कि मींस जो सिरिंजेस या फिर जो भी कुछ है वी कैन वॉश इट, ये बोल रहा है क्या? यस सर, यस सर। मेडी वेस्ट की बात कर रहा है सर वो। अच्छा, वो हॉस्पिटल वेस्ट की बात कर रहा है ना? नहीं सर, जो ऑटोक्लेव में हम लोग स्टीम कर। अच्छा, स्टीम के थ्रू कुछ ऑटोक्लेव में सर कर सकते हैं, एग्री, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ही होगा बेटा, अगर उसको प्रॉपर उसको हैंडलिंग नहीं हुआ देन इट मे इफेक्ट द ह्यूमन बीइंग, बराबर, वहां पे जो भी पर्सन रहेगा उसको इफेक्ट गिरेगा। एंड अगर वो पॉसिबल है, मतलब कैसा रहता है कि स्टीम में हो सकता है उसको वो टेम्परेचर ना मिले, करेक्ट ना, स्टीम में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद तो मिलेगा ही नहीं ना, बट हीट करने की वजह से क्या होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस इज नॉट पॉसिबल टू गेट इन स्टीम, करेक्ट सर? नहीं, ऑटोक्लेव में हम लोग जो मेडी वेस्ट होता है ना सर, सर उसको इजीली कंपोज कर सकते हैं हम लोग। हाँ, कर सकते, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट इजीली रीयूज भी कर सकते हैं, जबकि हम लोग जब अगर इंसिनरेट करेंगे तो पूरा डिस्पोज हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, उसको हम यूज नहीं कर सकते। ऑटोक्लेव में हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग भी कर सकते हैं, बट हम लोग एक्चुअली कंपोस्टिंग पढ़ रहे हैं, अपना जो टॉपिक है दैट इज कंपोस्टिंग, हाउ टू कंपोस्ट, बराबर ना, हमारा मेन टॉपिक जो है, मेन जो कंटेंट है अपना सिलेबस का, अगर मैं उसको बाद को रिड्यूस या रीयूज के अंदर वी कैन यूज दैट मेथड, करेक्ट? हेलो, मैं अगर रिड्यूस या रीयूज में बात करूं तो वो मेथड मैं यूज कर सकता हूं ना, बराबर ना दानिश, बट मैं इसको कंपोस्टिंग बात कर रहा हूं, हाउ टू कंपोज दैट वेस्ट, बराबर, उसके अंदर हॉस्पिटल वेस्ट रहेगा तो व्हाट वी कैन डू, कंपोस्टिंग के अंदर बात कर रहा हूं मैं, करेक्ट? तो वी कैन डू, अच्छा, ऑटोक्लेव, अब ये ऑटोक्लेव मेथड इसके अंदर नहीं आएगा, एक्चुअली मेरे टॉपिक के अंदर नहीं आएगा, रीजन ये, जब मैं रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल पढ़ाऊंगा एट दैट, और या तो मैं जब जीरो वेस्ट पढ़ाऊंगा उस टाइम पे यू कैन यूज दैट मेथड, करेक्ट? दानिश, ओके, लास्ट मेथड, ओके, लास्ट मेथड इज कंपोस्टिंग। प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन मेथड इसका, कंपोस्टिंग। ये बहुत छोटे स्केल पे होता है स्टूडेंट, कंपोस्टिंग घर पे भी कर सकते हैं हम लोग। तो स्लाइड शो मोड पे करो, बड़ा कर देता, ओके ओके। किसी को पता है क्या डायरेक्टली वो पेज से स्लाइड शो कैसे होगा?
ओके कंपोस्टिंग लास्ट मेथड वाज कंपोस्टिंग मेथड ऑफ कंबाइंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज एंड नाइट सॉइल स्लैश स्लजेस नाइट सॉइल का मतलब पता होगा ह्यूमन एक्सक्रीटा यस It is nothing but mixture of CO2, water and heat. जब तीनों साथ में मिलते हैं, then compost is being formed. That compost can be used for manure purpose. ये घर पे भी कर सकते हैं हम लोग. क्या करना है? जो भी अपने fruits के ऊपर के छिलके रहेंगे, vegetables के रहेंगे. Hello. Okay. Should I start? रुको दो मिनट लिखना है आपको मुनीर हो गया लिख के कंपोस्टिंग हो गया चलो स्टार्ट करते हैं दो मिनट ओके वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स देन वी विल स्टार्ट बस बता देना होने के बाद सर हो गया ओके द लास्ट मेथड ऑफ डीकंपोस्टिंग इज कंपोस्टिंग इसका मतलब क्या होता है द मेथड ऑफ कंबाइंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज एंड नाइट सॉइल स्लैश स्लज बराबर सबका मिक्सचर बराबर जैसे वेजिटेबल्स हो गए प्लांट्स हो गए बराबर उसके बाद फ्रूट्स हो गए इसके जो भी रोटन फ्रूट्स ये सब आप काउंट करो नाइट सॉइल काउंट करो स्लजिस कचरा जो रहेगा अपना बराबर दैट ऑल आर कंबाइंड टुगेदर बराबर एक जगह इकट्ठा करते हैं बराबर एंड उसके ऊपर जो काम करता है दैट CO2 स्टार्ट एक्टिंग ओवर हियर वाटर रहेगा एंड हीट रहेगा बराबर उसके वजह से जो मैनुअर निकलेगा जो लास्ट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट इज नोन एज कंपोस्ट बराबर तो इसके 3 मेथड है बैंगलोर मेथड कुछ लोग इंदौर मेथड भी बोलते हैं कुछ लोग इसको एरोबिक मेथड भी बोलते हैं बैंगलोर मेथड को अनदर बैंगलोर का दूसरा नाम है एरोबिक मेथड मींस एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर कंपोस्टिंग दैट वेस्ट उसके लिए एरोबिक बोला गया इसको बराबर नेक्स्ट इज मैकेनिकल कंपोस्टिंग एंड थर्ड मेथड इज वर्मिक कंपोस्टिंग ये 3 मेथड यूज होते हैं ओके नेक्स्ट देख लो अगर आपको एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि कैसे होता है तो देखो यू कैन सी ओवर हियर ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन केमिकल एनर्जी प्रोटीन नाइट्रोजन ये सारे रॉ मटेरियल कैसे डेड सेल्स प्लांट सेल्स रहेंगे बराबर वेजिटेबल्स रहेंगे लीव्स रहेंगे ये सब कुछ के क्या देखो कार्बन केमिकल एनर्जी प्रोटीन्स नाइट्रोजन वो सब कुछ सॉइल के अंदर जाएगा मिनरल्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन अदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे एंड वाटर रहेगा करेक्ट इसको से मिलेगा क्या अपने को देखो यहाँ पे ये सब कुछ प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं बराबर ये प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में यूज कर रहे हैं वेस्ट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं कैसे यूज कर रहे हैं जैसे लीफी वेजिटेबल्स है तो उसके जो नीचे के पार्ट्स है स्टेम में बोलोगे आप करेक्ट अगर कोई फ्रूट है फॉर एग्जाम्पल बनाना तो उसका आप जो छिलका रहेगा करेक्ट यू कैन काउंट ओवर देयर बराबर या फिर जो उसके सीड्स रहेंगे वो सब कुछ काउंट कर लो करेक्ट फिर अगर कोई फ्रूट है खराब हो गया सड़ गया है करेक्ट या फिर कोई पीलिंग ऑफ एनी फ्रूट और वेजिटेबल यू कैन से डेड लीव्स है बराबर दैट ऑल आर कंबाइंड टुगेदर बराबर इट इज बीइंग यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन सम फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी बराबर एंड इट इज मिक्स्ड विद वाटर बराबर और उसके ऊपर एयर एक्ट करना स्टार्ट किया देखो क्या हो रहा है एयर एक्ट करना स्टार्ट हो रहा है ऑक्सीजन जो अवेलेबल है एनवायरमेंट में इट स्टार्ट एक्टिंग मींस इट इज नॉट कवर्ड विद सॉइल कवर किया गया सॉइल से नहीं किया गया करेक्ट एंड आफ्टर दैट The finished product what we get that is organic matter including carbon, chemical energy, nitrogen, protein, minerals, water, microorganism. बराबर ये हमको एक final product मिलेगा it in the form of manure. बराबर तो it is known as compost pile. Okay? Do you want to draw this chart or should I proceed further? Proceed sir. Okay. नेक्स्ट मेथड जो मैं इसके मेथड की बात कर रहा था बराबर आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग के अंदर मैंने मेथड बोला तो फर्स्ट मेथड जो है बैंगलोर मेथड आल्सो नोन एज हॉट फर्मेंटेशन मेथड आल्सो नोन एज एनारोबिक मेथड बराबर
तो इसके अंदर होता क्या है, एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बराबर ट्रेंचेस आर डग 3 to 3 feet डीप 5 feet ब्रॉड एंड 15 feet लॉन्ग बराबर ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं उसके अंदर कंपोस्ट मैन्यू होते हैं. देखो बैंगलोर मेथड जो है स्टूडेंट्स इट इज एनारोबिक में, एनारोबिक मीन्स यहाँ पे रोल ऑफ यू कैन से ऑक्सीजन या एयर नहीं है बराबर, दैट इज नॉट एनारोबिक बराबर ना. यस नो यस सर यस. इसको देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, कवर कर रहे हैं, कैसे कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंचेस एंड ट्रेंचेस के साइज मैंने लिखा है बैंगलोर मेथड के बराबर. और जो लेयर रहेगा रिफ्यूज का वो कितने सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का है. फिर लेयर ऑफ नाइट सोल कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर का. तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंगलोर मेथड एंड ट्रेंच मेथड, अच्छा डाउट है, ये डाउट आता रहेगा किसी के माइंड में. यस नो यस सर. सर ये तो सेम टू सेम ट्रेंच मेथड हो गया करेक्ट, इट इज क्वाइट सिमिलर टू ट्रेंच मेथड. तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, यस देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन देम बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेंच मेथड क्या हम लोग वहां पे नाइट सॉइल यूज करते थे? नहीं. एंड व्हाट वाज द हाइट ऑफ ट्रेंच मेथड, क्या हाइट रहता था अपने सॉलिड वेस्ट का? अराउंड 3 to 6 feet रहता था. परफेक्ट. एंड व्हाट अबाउट हियर, यहाँ कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर है करेक्ट बराबर. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देयर लेयर्स बराबर. There is a mixture of night soil also over here. वहां नहीं था night soil का mixture, बराबर? और उसके से क्या होता है? And ये process, procedure है उसका. उसका क्या होता है? Chemical, physical and biological ये process start take place, बराबर? ये सारे process चालू रहते हैं. Physically, chemically, biologically. Biological means you can say microorganism start over acting over there. Chemical reaction start हो जाते हैं उसके अंदर, बराबर? इसके वजह से एक composition final product आपको मिल जाता है. Please note down this method. बैंगलोर मेथड ऑल्सो में एनारोबिक मेथड, बराबर एनारोबिक मेथड बोलते हैं इसको. बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स, की थोड़ा स्लो करूं? नहीं सर बराबर है सर. बराबर है ओके ओके. समझ रहे हैं ना कि ऊपर से जा रहा है ये पूरा? नहीं सर समझ रहे. ओके ओके. Okay, I got a notification that only 10 minutes are remaining. So, फिर एक top, एक method और खत्म करके लेते. Then we'll start again with the question answer session. So, it is totally theoretical subject. Discussion होना compulsory है. And one more query. Those who are attending this lecture, इतने लोग final है ना कि हम लोग SWM ले रहे. Don't shift. यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा ऐसा मत करो. Take final decision, एक firm decision ले लो. Yes, you have fixed to SWM, everyone. Because उससे क्या होगा? कि आप एंड मोमेंट पे चेंज करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा वहां और यहां. आपका बेसिक वहां छूट जाएगा या बेसिक यहां छूट जाएगा. एंड दोज़ वर मिसिंग देयर लेक्चर, जिसको वीडियो लैग हो रहा है या फिर क्लियरिटी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज क्वाइट मैंडेटरी यू शुड विजिट योर मूडल अकाउंट. और वहां पे आपको सारे वीडियो लिंक्स, आपको ये क्विज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके बाद आपको असाइनमेंट्स क्वेश्चंस भी मिल, असाइनमेंट्स नहीं नोट्स मिल जाएंगे बराबर. सिलेबस कॉपी, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपके मूडल पे अपडेटेड है. प्लीज गो थ्रू योर मूडल अकाउंट. अगर किसी को इश्यू हो रहा है मूडल अकाउंट में, कॉन्टेक्ट HOD सर और सूर्यवंशी सर. ओके, शुड आई वेट? रुकूंगी, आगे बढ़ो. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट, बैंगलोर मेथड. एक इंदौर मेथड भी था, तुमने पढ़ा रहेगा बचपन में अपने सिलेबस में. बैंगलोर ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग अलग कहते हैं, वो कौन सा मेथड है? वही इंदौर, वही 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 है. वही सर बिल्डिंग में वही यूज होता है ना, इसलिए मेरे को क्लिक हुआ वो वाला मेथड. नहीं उसके लिए मैं पूछा, लेकिन हम लोग एक्चुअल कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का है ना, और हम लोग कंपोस्टिंग की बात कर रहे हैं, सेपरेशन की बात नहीं कर रहे. ओके सर. ओके चलो, मैकेनिकल कंपोस्टिंग बराबर. सबसे पहले हमने क्या देखा? बैंगलोर मेथड देखा. उसके अंदर इस मेथड, दिस मेथड इज आल्सो एनारोबिक मेथड. एनारोबिक मतलब सॉइल से कवर हो जाता है वेस्ट को करेक्ट. द सेकंड मेथड इज
एरोबिक मेथड, बराबर एरोबिक मेथड। एरोबिक मींस देयर विल बी सम इंपॉर्टेंस और सम रोल ऑफ एयर, ऑक्सीजन का रोल रहेगा बराबर इन दिस मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल कंपोस्टिंग, कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रीनिंग पर्वलाइजेशन मिक्सिंग इंक्यूबेशन, बराबर। एक प्लांट रहता है स्टूडेंट्स, इसका आप लोग ये देखेंगे वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आज नहीं वरना सब गाय गाय में सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट इन 4 to 6 weeks, बराबर। और ये प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट होता है? 4 to 6 weeks। तो प्लीज नोट डाउन दिस टॉपिक, मैकेनिकल कंपोस्टिंग, एरोबिक मेथड, सेकेंड मेथड, बी मेथड, कंपोस्ट मैन्युफैक्चर बाय प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रीनिंग पर्वलाइजेशन मिक्सिंग इंक्यूबेशन। ये पूरा एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैकेनिकल कंपोस्टिंग कैसे होता है। एंड द थर्ड मेथड इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ किचन एंड प्लेट वेस्ट विच सर्व द ड्यूअल पर्पस फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द गार्बेज एज वेल एज प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली, बराबर। लास्ट मेथड जो है दैट इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। प्लीज ये दो मेथड के नाम लिख के लो, देन वी विल डिस्कस दिस टू मेथड्स। एंड नोट डाउन दिस पॉइंट्स आल्सो, कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल कंपोस्टिंग, उसके अंदर क्या होते हैं, क्या प्रोसेस है उसके, एंड लास्ट इज वर्मी कंपोस्टिंग। सर इसके पहले वाला नहीं लिखने गया? नहीं लिखा बच्चा, ये वाला बैंगलोर मेथड। हाँ नहीं, बैंगलोर मेथड नहीं लिखे सर। लिख लो ना, बैंगलोर में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, लिख लो ना। इसके नोट्स है मूडल पे, अकाउंट पे ना नोट्स में, जैसे ये टॉपिक हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा अपना टॉपिक, ये मॉड्यूल हो जाएगा। ओके सर, 4 आवर्स का मॉड्यूल है, अपने को अराउंड 8 आवर्स लग गया और तो ये हो जाएगा। तो जैसे मैं इसका नोट्स प्लस पीपीटी, जो पूरा पीपीटी मैं डाल दूंगा, बट देखो आप लिखने से क्या होगा फ्रेंड्स, यू विल गेट इंटरेक्ट विद द टॉप पॉइंट्स, आपको याद आएगा ये सर हैज टोल्ड अबाउट, ये इस पॉइंट का मतलब ये होता है। Then you can easily write the theory part. हाँ सर। एरोबिक लिख के लो, 5 मिनट बचा है स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी लिख के लो, फिर मेरे को डिस्कशन भी करना है। सर चलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट का मतलब ये होगा ना बच्चा, फिर लिखेंगे कब वो नहीं पता रहेगा, समझा ना सर? 2 मिनट हो गए। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई गाय नहीं यार, चलेगा। वैसे भी अपना ये इंटरेक्शन सेशन काफी अच्छा ही होता है, कोई इश्यू नहीं है, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाएगा, फिर जैसे ही सेम खत्म होगा डिलीट हो जाएगा। और मुनीर का तो भरोसा नहीं, वो पहले ही डिलीट कर देगा। ठीक है, आज इतना ही लिखो एरोबिक, नेक्स्ट टाइम से हम लोग वो दोनों मेथड समझ के लेंगे और लिख के भी लेंगे, और प्लस साथ में हम लोग वीडियो भी देख लेंगे उसके। सर मॉडल पे नोट्स दे दिए? अभी तक नहीं डाला मैंने, जैसे ये मॉड्यूल होगा तुरंत डालूंगा ना। अच्छा टॉपिक वाइज डाल दूं क्या, जितना टॉपिक पढ़ा गया उतने डाल दूं मैं नोट्स? हां सर, चलेगा सर, मॉड्यूल वाइज डालो सर, मॉड्यूल वाइज डालो। तो फिर एक दो लेक्चर और चाहिए मेरे को, मतलब ये वीक में हो जाएगा कंप्लीट, जो नेक्स्ट दो सेशन है ना अपने। ठीक है सर, ठीक है सर, कल ही है ना, कल ही तो, कल हो जाएगा, तो कल शाम तक डाल दूंगा मैं नोट्स मॉड्यूल 1 का पूरा। ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके। लिसन यार, चलो
तो हमने बैंगलोर मेथड देखा जस्ट अभी बराबर, और उसके बाद हमने कंपोस्टिंग देखा. तो माय क्वेश्चन इज टू वैष्णवी. वैष्णवी माइक काम करता बेटा? यस सर. यस बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्टिंग? Composting is a combination of disposal of refuses and night soil sludge. Yes, sir. Oh. Hmm? Yes, yes, yes. I'm listening to you. Huh? It's a combination of disposal refuse and night soil. Okay. It's a principal product. Huh? Hello. Yeah, yeah. I'm listening. Say na. Huh? Its principal byproduct are CO2, water, and heat. Yeah, its okay. Methods Bangalore mechanical and vermicomposting. Okay, Shubham. Okay, Vaishnavi, unmute yourself. Shubham, unmute yourself. Shubham, Swati, any one of you, Shubham or Swati. Hello. Yes, beta. What do you mean by Bangalore method? So Bangalore method is a method in which trenches are constructed. Okay. Of 3 feet deep, 5 to 8 feet broad, and 15 to 30 feet long. This method is also known as which type of method? Bangalore method. The anaerobic method. Why anaerobic method? So because oxygen is not required for decomposing. Perfect, 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 perfect. Okay. Okay, we'll stop over here, student, for today. We will meet again tomorrow. Then. And from next session, we will start with our tutorial part also. कल के session में एक theory चलेगा क्योंकि एक module complete मिल जाएगा अपने को, then we will start with our tutorial session. Tutorial में हम लोग discussion plus answer, question answer पूरा लेंगे. Yes, attendance सबने अगर डाल दिया है, you may leave. Okay? We have completed over till Bangalore method. Next time हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग देख के लेंगे एक बार and mechanical process देखेंगे. Okay, thank you. Put your attendance only once.